वेलकम बैक टू मूवीज एक्सप्लेनर। आज हम एक 2006 में रिलीज सीरीज नाइटमेयर एंड ड्रीमस्केप के एपिसोड के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है बैटल ग्राउंड। इस एपिसोड में देखेंगे कि एक हिटमैन एक टॉय शॉप के ओनर को गोली मार के हत्या कर देता है और फिर कैसे उसके टॉय सोल्जर इसका बदला लेते हैं। मूवी की शुरुआत करने से पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। सो लेट्स स्टार्ट द मूवी। मूवी की शुरुआत में हम रैनशॉ नाम के बंदे को देखते हैं। ये एक हिटमैन है। वो उसकी कार हैन मॉरिस के मेंशन के सामने पार्क करता है। ये मॉरिस एक $1 मिलियन टॉय कंपनी के प्रेसिडेंट है और रैनशॉ के नेक्स्ट टारगेट भी। वो अपने स्टोर रूम होते हैं, अपने टॉयज को देखते हुए कुछ ढूंढ रहे थे। फाइनली उन्हें वो मिल जाता है, एक ग्रीन फेरी टॉय। वो बहुत ही खूबसूरत थी। वो उस ग्रीन फेरी को लेकर अपने स्टडी रूम में आते हैं और तभी वो विंडो के सामने खड़े थे। ये रैनशॉ नीचे से देख लेता है और अपना प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी होता है। रैनशॉ अपनी गन लोड करता है और सिक्योरिटीज कैमरा से बचने के लिए फेस मास्क पहन देता है। एंट्रेंस पे एक सिक्योरिटी गार्ड था तो उसे ट्रिक करने के लिए रैनशॉ मोबाइल का यूज करता है। उस मोबाइल पे काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। गार्ड को थोड़ा सस्पिशियस लगता है तो वो उस फोन को उठाकर बाहर फेंकने जाता है कि तभी रैनशॉ उस पर हमला कर देता है। वो गार्ड को शूट करता है। रैनशॉ के गन पर साइलेंसर अटैच था तो कोई आवाज नहीं होती। रैनशॉ उस गार्ड से कीज लेकर सिक्योरिटी रूम में एंटर करके सारे CCTV कैमरास डिसेबल कर देता है। कॉन्फिडेंटली फेस मास्क निकालकर स्टडी रूम के तरफ जाता है। वहां उसे और एक सिक्योरिटी गार्ड मिलता है। रैनशॉ उसे भी मार देता है। फिर वो स्टडी रूम में जाके मॉरिस को शूट कर देता है। रैनशॉ मॉरिस को 2 गोलियां चेस्ट पे और 1 गोली फोरहेड में मारता है। रैनशॉ मॉरिस के बॉडी को चेक करके कंफर्म करता है। कंफर्म होने के बाद वो वहां से निकलने से पहले ग्रीन फेरी को रिमाइंडर के तौर पर उठा लेता है। टेबल पे मॉरिस के मदर का फोटो फ्रेम और उस पे कुछ नोट लिखा था, लेकिन रैनशॉ उसे नजरअंदाज कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम रैनशॉ को प्लेन से कहीं जाते हुए देखते हैं। वो प्लेन में बैठे हुए अपने क्लाइंट को जॉब कम्प्लीशन का मैसेज करता है। साथ बैठी हुई पैसेंजर रैनशॉ से एक गम मांगती है। जब देने के लिए रैनशॉ अपने बैग ओपन करता है, उसके बैग में फेरी को देखकर उस लेडी को थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। जब रैनशॉ एयरपोर्ट पे होता है तो वह टीवी पे मॉरिस के मर्डर के बारे में न्यूज चल रही थी। ये न्यूज अभी पूरे देश में स्प्रेड हो गई थी। थोड़ी दूर चलते हुए वो एक गर्ल के बैग पे वही सेम डॉल देखते है जो उसने मॉरिस के रूम में देखी थी। वो इस बात पे इतना ध्यान नहीं देता, तभी उसके अपार्टमेंट के रिसेप्शन टेबल पे सेम ग्रीन कलर का टॉय देखता है। सेम टॉय मॉरिस के टेबल पे था जब रैनशॉ ने उसे शूट किया था। अपने पेंट हाउस में आने के बाद रैनशॉ उस ग्रीन फेरी को सेफली अपने डिस्प्ले टेबल पे रख देता है। हम देखते हैं कि रैनशॉ ने और भी बहुत सारी चीजें वहां रखी थी, जैसे ग्लासेस, मनी, पेन और बहुत सारी चीजें। ये सब चीजें रैनशॉ ने जिसको मारा था वहां से कलेक्ट की थी। रैनशॉ अपने सोफे पे ईमेल चेक करते हुए सो जाता है। रात में उसकी नींद डोरबेल के आवाज से टूटती है। डोर ओपन करने से पहले वो कैमरा चेक करता है। बाहर रिसेप्शनिस्ट हाथ में बॉक्स लेके खड़ी थी। रैनशॉ डोर ओपन नहीं करता तो रिसेप्शनिस्ट बॉक्स डोर के बाहर रखकर चली जाती है। उसके जाने के बाद रैनशॉ वो बॉक्स उठाकर अपने किचन काउंटर पे रखता है। उस बॉक्स के नोट पर एड्रेस तो रैनशॉ का था, लेकिन भेजने वाले का कोई भी आता पता नहीं था। उस नोट पे सिग्नेचर था जो कि मॉरिस के मदर के सिग्नेचर से मैच हो रहा था। रैनशॉ पहले तो वो बॉक्स फेंकने का डिसाइड करता है, लेकिन एज अ क्यूरियोसिटी वो इस बॉक्स का रैपर केयरफुली ओपन करता है। उस बॉक्स में टॉयज थे मॉरिस के कंपनी के, और रैनशॉ के लिए एक बोनस सरप्राइज भी था। कहीं ये ट्रैप तो नहीं, इसीलिए रैनशॉ पहले उस बॉक्स को ठीक से ऑब्जर्व करता है, फिर उसे ओपन कर देता है। उस बॉक्स में प्लास्टिक के सोल्जर, गन और टैंक्स थे। रैनशॉ एक टॉय निकाल कर चेक करता है, लेकिन उसे शक करने जैसा कुछ नहीं लगता, तो वो बॉक्स को ठीक से रख के वहां से चला जाता है। थोड़ी देर में वो बॉक्स अपने आप नीचे गिर जाता है। रैनशॉ को पक्का यकीन था कि बॉक्स उसने एज पे नहीं रखा था, तो वो देखने चला जाता है। देखने पर वो सरप्राइज हो जाता है कि बॉक्स के अंदर के टॉय सोल्जर्स गायब थे। इसके बाद से ही घर में कुछ अनयूजुअल चीजें होती है, जैसे कर्टन अपने आप हिल रहे थे और लाइट्स भी स्विच ऑफ होती है। लाइट्स को चेक करने पर रैनशॉ नोटिस करता है कि किसी ने केबल कट कर दी है। तभी टेबल के नीचे से एक सोल्जर रैनशॉ के टो पर शार्प गन से मारता है। रैनशॉ समझ जाता है कि इन सबके पीछे वही टॉय सोल्जर्स है। जब वो चेक करने के लिए नीचे झुकता है
तो टॉयज रंशा पे फायरिंग करते हैं। वो बुलेट्स रंशा को ज्यादा हार्म नहीं करती, लेकिन वो इस बात पे शौक होता है। कुछ देर बाद रंशा पे वो एक्सप्लोजिव से हमला करते हैं। इसमें रंशा की नी पे घाव हो जाता है। रंशा समझ चुका था कि सोल्जर छोटे है लेकिन खतरनाक है। वो रंशा पे कंटिन्यूसली फायर कर रहे थे, तो रंशा उनसे बचने के लिए बाथरूम में जाता है और डोर बंद कर लेता है। वो अपनी नी को चेक करता है, वहां से खून आ रहा था और उसके गले पे कई सारी बुलेट्स फंसी थी। वो कुछ ज्यादा हार्मफुल नहीं थी, लेकिन रंशा को हर्ट जरूर कर रही थी। रंशा एक हैंड मिरर लेके बाहर क्या हो रहा है ये देखता है। वो टाइनी सोल्जर घर के लाइट्स पे फायर कर रहे थे ताकि अंधेरा हो जाए। तभी कुछ सोल्जर रंशा को देख लेते हैं और उसके मिरर पे हमला करके उसे तोड़ देते हैं। गुस्से में रंशा दूसरे दरवाजे से अपने रूम में जाता है और वहां से गन लेता है और उन सोल्जर पे फायर करते हुए किचन में आता है। वहां से वो अपनी राइफल निकालता है और उनपे गोलियों की बरसात करता है। थोड़ी देर सब शांत होता है, लगता है कि सोल्जर डर गए। रंशा सोफे के तकिया तक निकाल देता है ताकि वो छुप ना सके। कोई आवाज ना होने पर रंशा पूरा सोफा ही पलट देता है। तभी हम सोफे के नीचे उन सोल्जर्स के डेड बॉडीज देखते हैं। जो सोल्जर बचे हुए थे वो बाकी सोल्जर को जीप में बैठने के लिए हेल्प कर रहे थे। रंशा ये सब शौक होके देख रहा था। उसे अपने आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। उन्हें जाता हुआ देख रंशा उन्हें अपने पैरों से स्टैप कर देता है। दो सोल्जर्स उस पर फायर करते हैं कि तभी रंशा गन से उन्हें शूट कर देता है। उस एक बुलेट के वाइब्रेशन से वहां के सारे सोल्जर नॉकआउट हो जाते हैं। लेकिन ये अटैक यही खत्म नहीं होता। टेबल के नीचे से तीन आर्मी हेलीकॉप्टर्स निकल आते हैं और वो रंशा पे कैनन बॉल से हमला कर देते हैं। रंशा खुद को उनसे बचाकर भागता है कि तभी सोल्जर्स रंशा पे मिसाइल से हमला करते हैं। रंशा भागते हुए अपने बेडरूम में आ जाता है। वो मिरर में देखता है तो नोटिस करता है कि इन टाइनी सोल्जर्स के हमले में उसे काफी चोट आई है। रंशा अपने घाव पे अल्कोहल लगाता है और अपने घाव पे ड्रेसिंग करता है। रंशा कुछ कर पाए तभी एक बॉल रूम के डोर में होल करते हुए उसके कमरे में आ जाता है। उस होल से एक हेलीकॉप्टर उस रूम में एंटर करता है और रंशा पे कंटिन्यूस फायरिंग करने लगता है। अभी रंशा के लिए ये सब बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। वो खुद एक हिटमैन था और आज कुछ टॉयज ने उसके नाक में दम कर दिया था। वो एक टॉवल के मदद से उस टॉय को पकड़ लेता है और जमीन पर फेंक कर पैरों से स्टैप करता है। फिर वो उस प्लास्टिक को फ्लश कर देता है, लेकिन वो सोल्जर गिव अप नहीं करते तो रंशा प्लग ऑन करके हेयर ड्रायर उसमें डालकर उन्हें मार डालता है। रंशा बाकी की रात बाथरूम में बिताने की सोचता है, या उसे थोड़ा सेफ लग रहा था। फिर वो अपने थाई के वुंड को स्टिच करता है। ये बहुत ही पेनफुल था, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। कुछ घंटों बाद रंशा डोर के बाहर शैडो नोटिस करता है। वो सोल्जर ने रंशा के लिए एक नोट रखा था। उसमें रंशा को सरेंडर होने के लिए कहा गया था। रंशा टॉयज के स्मार्टनेस से सरप्राइज होता है और उन्हें जवाब में स्क्रू यू लिखता है। रंशा जब डोर के पास जाता है कि तभी देखता है एक टैंक उस पर ही निशाना लगा रहा है। वो फायर कर देते हैं और इस वजह से डोर पे होल्स बन जाते हैं। रंशा अब उनके फायर के रेंज में आ गया था, सो उनसे बचने के लिए रंशा विंडो के बाहर आता है। उसका घर 14th फ्लोर पे था और इतनी ऊंचाई पे खुद को बचाना मुश्किल दिख रहा था। फिर भी वो बहुत केयरफुली बालकनी की तरफ जाने लगता है कि तभी एक हेलीकॉप्टर रंशा पे अटैक कर देता है। उसकी हालत तो आगे कुआ और पीछे खाई जैसी होती है। उसी हालत में भी रंशा उनके हेलीकॉप्टर को शूट कर देता है। फाइनली वो बालकनी में आ जाता है। यहाँ बाकी सोल्जर्स हमले की तैयारी करते हैं। तभी रंशा को उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने का आइडिया आता है। वो रबर के डक को स्विमिंग पूल में रख देता है और दूसरी तरफ से आते हुए उन सोल्जर पे फायर एक्सटिंग्विशर से अटैक कर देता है। तभी दूसरे ग्रुप ऑफ सोल्जर अपने जीप में रंशा को सर्कल करते हुए फायर करते हैं। रंशा भी अपने लाइटर और स्प्रे का यूज करके फ्लेम से उन्हें जिंदा जला देता है। रंशा फ्रस्ट्रेशन में आकर चाकू से उनके बॉडी के छोटे छोटे पीसेस करता है। फिर वो रिटर्न जाके बचे हुए सोल्जर को बॉक्स से मारकर उन्हें स्मैश करता है। एट लास्ट सारे सोल्जर मर गए थे। रंशा जमीन पर लेटकर वो जले हुए प्लास्टिक बॉडीज को देखता है। वो सोल्जर्स के डेड बॉडीज को काउंट करता है ये कंफर्म करने के लिए कि सब मर गए हैं। वो उन्हें बॉक्स नंबर से मैच भी करता है। नंबर मैच होते हैं और रंशा को फाइनली रिलीफ मिलता है। लेकिन वो एक बात भूल गया था, उसने वो बोनस सरप्राइज को कंसिडर ही नहीं किया जो बॉक्स के पीछे लिखा था। रंशा ड्रिंक करके स्विमिंग पूल में थोड़ा रिलैक्स करने जाता है। सडनली पानी के अंदर कोई उसे रिस्ट पे कट करता है। वो तुरंत पानी से बाहर आता है और देखता है तो घाव गहरा होता है।
उसे इमेजेस स्टिच करने की जरूरत थी तो वह वैसे ही करता है। रैनशॉ पेंटहाउस छोड़ने का डिसाइड करता है ताकि अगर कोई सोल्जर बच गए हो तो उस पे वो अटैक न कर पाए। पर रैनशॉ को कहा पता था कि मुसीबत उसके साथ ही एलिवेटर में आ गई है। एलिवेटर में सडनली लाइट चली जाती है और बटन पैनल्स भी ब्रेक होता है, मतलब अभी रैनशॉ एलिवेटर का डोर ओपन नहीं कर पाएगा। वो फ्लैशलाइट यूज करके एलिवेटर में इधर उधर देखने लगता है लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। जब पैनल फिर से फ्लैश होता है तो रैनशॉ को वह एक सोल्जर दिखाई देता है। तभी वो टॉय मिसिंग सीलिंग पैनल से एलिवेटर के बाहर जाता है। जब रैनशॉ देखने जाता है तो वो नोटिस करता है कि एलिवेटर स्टक हो गया है और अभी उसके पास एस्केप करने के लिए कोई भी वे आउट नहीं है। एज ए लास्ट चांस रैनशॉ सेकेंड एलिवेटर पे जंप कर देता है। वो उस एलिवेटर का सीलिंग पैनल निकाल कर अंदर चला जाता है। वो खुश होता है कि अभी वो सेफ है, लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर नहीं रहती क्योंकि वो कमांडो उसके साथ उस एलिवेटर में आ गया था। टॉय नाइफ का यूज़ करके रैनशॉ को रिपीडेडली स्टैप करता है बट साइज डिफरेंस होने की वजह से रैनशॉ को ज़्यादा हार्म नहीं होता। रैनशॉ इस कमांडो को कैच करके दो एलिवेटर डोर के बीच फंसा देता है। कमांडो का सर क्रश हो जाता है और फाइनली वो मर जाता है। रैनशॉ इस कमांडो के हेडलेस बॉडी पे हंसता है लेकिन वो देखता है कि ये बॉडी एक्सप्लोजिव से अटैच्ड है। बॉम्ब फटता है और जोरदार धमाका होता है। लास्ट में हम बॉक्स पे लिखा हुआ देखते हैं कि इसमें एक कमांडो है और उसके साथ थर्मोन्यूक्लियर वेपन है एज अ बोनस गिफ्ट। हम उस ग्रीन फेरी को गोल घूमते हुए देखते हैं। एटलास उनका मिशन कंप्लीट हो गया था। मुझे ये मूवी काफ़ी पसंद आई, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें ये और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।